हाय फ्रेंड्स, आज मैं बोलूंगी नहीं ऐसा कि वेलकम टू माय चैनल, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत ही सैड डे है। आज के दिन धवल का एक्सीडेंट हुआ था और आज का दिन मैं बिल्कुल भी बैर नहीं कर पा रही हूँ। रात से मुझे बहुत घबराहट हो रही थी और सुबह आई मैं स्कूटी सिखाने, तो मॉर्निंग में क्या हुआ, मैंने घर का दरवाज़ा खींच दिया और चाबी मेरी अंदर ही रह गई। फिर मैंने पर्स में देखा, बार बार मैं पर्स बदलती हूँ तो वज़न हो जाता है चाबियों का बहुत सारा, तो एक चाबी एक्स्ट्रा चाबी थी वो मैंने अंदर रख दी थी, पर लकीली वो चाबी मेरे पास थी पर्स में। और फिर मैंने वापस से दूसरी चाबी ली अंदर से और निकली। पता नहीं, माइंड ही कुछ ये नहीं कर रहा था, धवल की बहुत याद आ रही थी और पता नहीं रह नहीं पा रही थी। तो फिर आई और स्कूटी चलाने वाली को, सीखने वाली को ऐसे ही मैंने आज तो उसके उस पर ही छोड़ दिया, मुझसे हो ही नहीं रहा था। पर उसने आज बहुत अच्छे से स्कूटी चलाई, क्योंकि उसने कल मेरा वीडियो देख लिया था स्कूटी वाला, तो वो वीडियो से उसको बहुत थोड़ा मतलब अच्छे से थोड़ा नॉलेज आ गया और उसने आज अच्छे से गाड़ी चला ली, तो मुझे इतना उसके पीछे टेंशन नहीं रहा। पर आज का दिन तो पूरा ब्लैक डे है। आज पता नहीं शाम कैसे होगी मेरी और कैसे होगा। शाम को 5 बजे वो घर से निकला था और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। तो उसका बेटा 2 ही साल का था, यही महीने में उसके बर्थडे थी भी थी। आज है 7 तारीख और इसी मंथ में उसका बर्थडे था। बोलते हैं ना, बर्थडे वाले मंथ में बहुत संभाल के रहना पड़ता है। पता नहीं, हर रोज उसकी याद आती थी। वो मेरे साथ पूरा उसका सपोर्ट था, मुझे कहीं जाना हो आना हो। इवन मैंने पार्लर पे एसी लिया तो उसके साथ लिया। मुझे स्मॉल स्मॉल मेमोरीज मेरी उसके साथ बहुत जुड़ी हुई है। मैंने घर लिया, बंगला लिया ना, तो भी मैं धवल और निकिता, धवल की बहन, हम लोग तीनों गए थे पहले देखने और हम तीनों ने ही सोचा कि हाँ ये घर लेंगे हम। उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैंने दिखाया, उसके बाद हमने मतलब जो भी चीज़ कहीं जाना है, अतिथि के इतने एग्ज़ाम, सीईटी के एग्ज़ाम्स वगैरह, हर जगह वो मुझे लेके जाता था। आज मुझे उसकी कमी इतनी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे मेरा दुख शेयर करूं। सारे यूट्यूबर्स देखती हूँ, बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश रहते हैं। पता नहीं, हम लोग भी बहुत खुश थे। हम लोग ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उसमें नाम भी हैप्पी फैमिली रखा था, पर एक मेंबर की कमी हो गई हमारी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, सॉरी। हर चीज में मुझे उसका सपोर्ट था। और फिर क्या हुआ बताएं, एक्सीडेंट शाम को 5 बजे हुआ। मैं तो पागल की तरह दौड़ी, मुझे साक्षी बोलने को आई कि कोई भैया का एक्सीडेंट हो गया। मैं पार्लर ऐसे ही खुला छोड़ के भागी और जाते देखी तो कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने सबसे पहले मुझे ही बोला कि वो नहीं रहे। सॉरी गाइस, मैं आपको भी सैड कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं ये बात आपसे शेयर करूँ। और फिर ये ऐसा हुआ, उसके बाद मुझे अतिथि के एग्ज़ाम टाइम चल रही थी और अतिथि है रशिया में, मुझे उसको नहीं बताना था क्योंकि वो भी बहुत अटैच थी धवल के साथ और मुझे उसको नहीं बताना था। तो मैंने कैसे करके ये बात छुपाई, लेकिन उसको भी वैसे सैड फीलिंग आ रही थी, अतिथि को भी, कि मम्मी कुछ तो भी हुआ है, मम्मी नॉर्मल नहीं रख रही है। फिर जून में अतिथि आई, तब उसको बताया इस तरह से हुआ। और
जब मैंने अतिथि की टिकट बुक की ना आने के लिए, तो धवल आके पूछ के गया कि कोई क्या रे आवानी चाहती थी, क्योंकि उसे जाना था लखनऊ, तो वो हिसाब से अपना प्लानिंग करना चाहता था कि वो पहले अतिथि को लेके आएगा एयरपोर्ट से और उसके बाद वो अपना टिकट निकालेगा, उसके बाद वो उस तरह से अपना प्लान करेगा कि उसके बाद मैं जाऊँगा या उससे पहले जाके आऊँगा। तो बस 2-3 दिन पहले ही मुझे पूछ के गया कि कब की टिकट है अतिथि की, और ऐसा हो गया। तो आज का दिन तो मेरे लिए पास करना बहुत भारी है। आज मैं मम्मी के यहाँ भी नहीं गई, नहीं तो मैं मॉर्निंग में स्कूटी सिखा के फिर मम्मी के यहाँ जाती हूँ, थोड़ा सा बातें करती हूँ उनसे, पर आज मेरा दिल ही नहीं किया कुछ करने को, तो पार्लर पे आ गई मैं। जब भी मैं रोड पे निकलती हूँ ना, रोज, आज इतने साल हो गए ना, तो भी मैं रोज रोड पे निकलती हूँ और मुझे दिल में एकदम से ये हो जाता है कि माय गॉड, मुझे रोड पे ना गाड़ी चलाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी ऐसा लगता है बस मैं पार्लर के बिल्डिंग में कहीं घर ले लूँ और वहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ, मुझे रास्ते पे निकलना ही नहीं पड़े, क्योंकि जैसे मैं रास्ते पे निकलती हूँ मुझे उसका ही याद आता है हर एक दिन सुबह और रात को कि उसको कैसा लगा होगा। मुझे पता है मेरा ये वीडियो देख के मेरे फैमिली मेम्बर्स खूब सैड होने वाले, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरा दुख मैं आपके साथ शेयर करूं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं आप लोग को भी सैड कर रही हूँ, पर ये बात मैं आपको बताना चाह रही थी बहुत दिनों से। प्रियांश का बर्थडे का आपने वीडियो देखा होगा ना, प्रियांश धवल का ही बेटा है। अगेन सॉरी माय फैमिली मेंबर्स, मैं आप लोग को भी रुला रही हूँ। इतनी मेमोरी से धवल की पूछो मत, हर जगह वो मेरे साथ था, हर बार। मेरे हस्बैंड तो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, पर धवल का मुझे इतना सपोर्ट था, कभी भी उसको कुछ बोलूं वो रेडी रहता था रात को 2 बजे 3 बजे, हर जगह वो मेरे साथ आता था। पता नहीं उसके बगैर कैसे जिंदगी बीत रही है, बस अच्छा नहीं लग रहा है। धवल मेरे बड़े भाई का बेटा है, पर उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि हम दोनों का बहुत अटैचमेंट था और वो कभी मुझे ना नहीं बोलता था किसी बात के लिए, हर जगह मेरे साथ रेडी रहता था और मुझे कुछ भी काम हो ना, एक बेटे की कमी पूरी करता था, मैं उसी के साथ उसको ही सब बताती थी, उसके साथ ही मैं कुछ भी। अब इवन मैंने स्कूटी लिया ना, तो भी हम दोनों ने दोनों ही गए थे और स्कूटी बुक करके आए थे। ये मेरे लाइफ की बहुत ही सैड स्टेज है। आज का दिन तो मेरे लिए बहुत भारी है, बहुत काला दिन है आज, और पता नहीं भगवान ने मुझे क्यों ऐसा दुख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं ऐसे क्यों हुआ। दोस्त और खुद भी नहीं मोटरसाइकिल चला रहा था, दोस्त के पीछे बैठा था और पता नहीं वो दोस्त ने किस तरह से गाड़ी चलाई या पता नहीं कैसे क्या हुआ होगा। मैं तो वो रास्ते पे आज तक जाती ही नहीं हूँ, मुझसे हिम्मत ही नहीं होती वो रोड पे जाने के लिए। शादी के कितने ऑर्डर्स वहीं पे हॉल है, पर मैं वहीं वो वहाँ पे 2-3 हॉल है पर उस उधर के ऑर्डर आएंगे तो मैं मना कर देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊँगी उधर, मुझे नहीं चाहिए वो ऑर्डर, क्योंकि मैं सहन ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी होटलें खुली है, सब है वहाँ पे, याजू पार्क पे सब है, लेकिन मैं आज तक वो रोड पे गई नहीं हूँ। वो रोड मैंने मेरे लाइफ से मैंने हटा ही दिया है पूरा। सॉरी मैंने आपको भी सैड कर दिया, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं किससे बात करूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं आप ही से बात कर लेती हूँ।